जस्सी मेरी है, मेरी। जस्सी किसी और की नहीं हो सकती, और जस्सी को किसी और का नहीं होने दूंगा, किसी और का नहीं होने दूंगा। जसमीत वालिया, आप यहां क्या कर रहे हैं अरमान सर? आज तक मुझे सिर्फ शक था जैसे, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था और आज मैंने सब कुछ देख लिया। क्या देख लिया? सब कुछ जैसे, सब कुछ डायरेक्ट। जो एक दूसरे के साथ क्लब जाए, एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर बैठ और एक दूसरे के साथ गले मिलना, जस्सी, जस्सी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही? क्यों? शांत हो जाइए अरमान सर, हमें सब उठ जाएंगे। मैं कैसे शांत हो सकता हूँ जस्सी, कैसे? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे और नंदन वर्मा के बीच में कुछ नहीं है, और इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे जस्सी। कैसा झूठ अरमान सर? कितनी भोली बन रही हो ना जस्सी तुम, कितनी भोली बन रही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम उस नंदन वर्मा के हाथों में हाथ डाले हुए, उसके साथ गले मिलते हुए और एक दूसरे को किस करते। हाँ, नंदन ने मुझे किस किया, मेरी गाल पर किस किया। मेरे बचपन का दोस्त है नंदन, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, सुलह हो गई बस। जस्सी, मैं जानता हूँ कि ये झगड़ा क्यों हुआ। ये झगड़ा एक औरत की वजह से होता है, एक औरत की वजह से जस्सी। और ऐसे झगड़े दो दोस्तों के बीच में नहीं होते, बल्कि तो प्यार करने वालों के बीच में होते हैं। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नंदू और मेरे बीच में झगड़ा हुआ था कोहिनूर के पैसों को लेकर। नंदू कोहिनूर के पैसों और गाड़ी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। अब सारी बात साफ हो गई है, हम दोनों फिर से दोस्त। हाँ, लेकिन दोस्ती जिताने का और कोई तरीका तुम्हें नहीं मिला? उस नंदन वर्मा की आंखों में आंखें डाल, उसके साथ बाहों में बाहर डाल के नंदन वर्मा के साथ मैं अपने घर पर क्या बातें करती हूँ, बस इसी की फिक्र है आपको। यही सब सोच के आप परेशान होते रहते हैं, जबकि मालिका मैम के साथ रोज ऑफिस में आप यही करते हैं। जैसे जैसे मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि जब से मेरी जिंदगी में तुम आई हो ना, तब से मैंने मलिका को छुआ तक नहीं, क्योंकि क्योंकि मेरे दिल में अब सिर्फ तुम हो जैसे। हाँ, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो जैसे, सिर्फ तुम। कोई मेहरबानी आपकी अरमान साहब, लेकिन ये सारी बातें सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं अंदर जा रही हूँ, कल सुबह मुझे बैलेंस शीट बनानी है। जैसे गुड नाइट। जैसे मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। इतना शोर कैसे हो रहा है? प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। जस्सी, जी मैं वो जस्सी को ऑफिस से छोड़ने आया था। अगर ये चिल्ला कौन रहा था? अरमान साहब ऑफिस की बातें कर रहे थे। मैं चलता हूँ। Thank you.